से हूँ। आज 28 अप्रैल 2019 है, संडे का दिन है और मैं आपके लिए एक शेयर लेके आया था। सिक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड एक पेनी स्टॉक है और बहुत कम रेट में आपको मिल रहा है। ये आगे जाके मल्टीबैगर बन सकता है। ये एनिमल हस्बेंड्री में, ये मेरे अंदाज से इंडिया की 2002 से एस्टेब्लिशमेंट है इसका। और ये एनिमल हस्बेंड्री मतलब एनिमल्स जो को वेटनरी को जो दवाई वगैरह फॉर्मुलेशन में या दवाई केमिकल्स प्रोटीन्स मिलता है उसमें, ये इंडिया की बहुत बड़ी अच्छी कंपनी है और वर्ल्ड में ये 25वां रैंक भी रखती है। वर्ल्ड में इसका 25वां स्थान है। सरप्राइज ये नहीं है कि ये किस पोजीशन पे रहती है और किस पोजीशन पे है। इसका यूरोप तुर्की में भी इंटरनेशनल बिजनेस भी ये करती है। कहीं ना कहीं इसके जो सीईओ महेश गुप्ता जी हैं, जो अभी मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में, ये मनीष गुप्ता जी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, अभी सीईओ भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस को बहुत ऊपर आगे लेके जाने की कोशिश में है और चाहते भी है कि ये यहाँ से एटलीस्ट 40-50% और 2000 करोड़ का सेल्स टर्नओवर यहाँ पे हो सकता है कि इनका हो जाए। अच्छी चीज़ें दिखाऊँ तो अभी 4 अप्रैल को इनको क्रेडिट रेटिंग इन्होंने लेटर दिया है 4 अप्रैल 2019 को और इनकी क्रेडिट रेटिंग स्टेबल की गई है, पढ़ाई गई है, एक पॉजिटिव चीज़ है। सिक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड अभी 71 रुपये के सीएमपी पे चल रहा है, हाई 89 का लो 42 का है। इसमें सेंटिमेंट कुछ भी नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नॉन हो सकता है मार्केट में नहीं हो। अगर इसके फाइनेंशियल की ओर देखिए तो पहले एक बार सिक्वेंट साइंटिफिक इज ए फार्मास्यूटिकल कंपनी। इट्स सेगमेंट इंक्लूड फार्मास्यूटिकल्स स्पेशली केमिकल एंड एनालिटिकल सर्विस। इट फोकसेस ऑन प्रोडक्ट फॉर लाइव स्टॉक पोलिट्री एंड कंपेनियन एनिमल्स। लाइव स्टॉक बस ये कहीं ना कहीं ये पोलिट्री फार्म्स और एनिमल्स उसके दवाइयाँ ज़्यादा बनाता है। अब इसके सेल भी देख लें तो कहीं ना कहीं सेल देखेंगे आप, इसका टर्नओवर देखेंगे तो 848 करोड़ अभी 990 है और इसको 3 साल के अंदर वो 2000 करोड़ लेके जाना चाहते हैं। इसका मटेरियल कॉस्ट क्यों क्या इंपॉर्टेंट है ये जरूरी है देखना। इसका मटेरियल कॉस्ट देखेंगे तो आप सिर्फ 54-55% है। मीन्स अगर मैनेजमेंट चाहे तो अगर 54 और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और ये ऐड कर दे तो ईबिटा को कहीं ना कहीं जो भी 11% है उसको 30% तक लेके जा सकता है। तो यहाँ बहुत स्कोप है। जब ये कॉस्ट जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो उस हिसाब से बाकी कॉस्टिंग नहीं बढ़ती है तो ईबिटा में भी एक अच्छा खासा इनको गेन आगे जाके हो सकता है कि मिले और टर्नओवर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आज भी 11% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो कोई खराब नहीं है। आज देखेंगे तो इसका पी 43 है, बुक वैल्यू 25 करोड़ का है, मार्केट कैप 1770 करोड़ का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% है 10.64, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 105 करोड़ का है, सेल्स ग्रोथ 24% है। ये एक इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 24-25% से एक बिग इंडस्ट्री जिसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है अगर है 25% के रेट से अगर सेल्स ग्रोथ करना चाहती है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, मीन्स ये अपने शेयर होल्डर को भी वर्थ देती है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा है। खराब क्या है, प्रमोटर ने अपने 56% प्रमोटर होल्डिंग है उसमें से 43% इन्होंने गिरवी रखा हुआ है, एक नेगेटिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 1.63 है, बहुत कम है। डेप्ट 304 करोड़ है और उसको कवरेज रेशियो 2.64 है, थोड़ा सा कम है। जो इसके पास प्राइस है उसके सामने ये जो कैश फ्लो दिखा रही है आज के डेट में वो बहुत कॉस्टली दिख रहा है। 39 बहुत होता है। अगर जो 38 करोड़ का और उसके सामने 39 टाइम्स का वो मल्टीपल मांग रही है तो थोड़ा सा ज़्यादा है। इंटरप्राइज की वैल्यू जहाँ 2000 करोड़ है वहाँ मार्केट कैप 1700 करोड़ है, तो इक्विवेलेंट लग रहा है कि जितनी मार्केट वैल्यू है कैप है उतनी मार्केट वैल्यू है। इस प्राइस पे ये जो दिख रहा है 70-71 के पास आज के वर्थ के बराबर है आज जहाँ चल रहा है ये। लेकिन एक्चुअली ये इसका 52 जो हाई देख रहे हैं ये 89 है, बट ये 100 बहुत ऊंचाई से गिरा हुआ ये शेयर है और ये 185-186 के 2002 में जब ये लिस्टिंग हुआ था तो लगभग आप देखेंगे ये 102 से कंपनी लिस्टिंग तो 2016 को हुई है तो ये 185-86 में लिस्ट होकर के यहाँ से गिरा है, कंटिन्यू गिरा है। मुझे एक पैटर्न यहाँ पे जो एक कन्फर्मेशन लगता है जो होता है एक पैटर्न जो अच्छा पैटर्न मुझे दिखता है कि जो यहाँ पे मुझे कन्फर्म दिखता है कि शायद ये कन्फर्म हुआ है। आप देखेंगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है डाउन साइड में, यहाँ से एक पैटर्न बना लीजिए आप ये साइड से और ये साइड से इसका 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 दो हाथ है
एक इस साइड में है और एक इस साइड में है, और इसके बाद ये हाई बनाता है। तो ये मतलब अब तो जो है किसी हालत में 42 तो नहीं तोड़ेगा, ये अभी इम्पॉसिबल है। और ये हाई लगाने के बाद एक बार इसने ये हाई को भी क्रॉस किया, जो अपने हाई को था क्रॉस करके ये कहीं ना कहीं 87-88 गया। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये 88 के टारगेट के साथ आप रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 60 का रख लीजिए, और स्टॉप लॉस 60 का रख करके 88 के टारगेट के साथ रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई 3 साल के लिए अगर इसको देखना चाहते हैं तो वापस आपको ये यहाँ से अगर आप इसको स्टॉप लॉस 42 का लगा लीजिए, 40 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, लॉन्ग टर्म के लिए भी लगा लीजिए। अगर 40 तोड़ता है तो कोई ना कोई इशू आएगा। सिर्फ इसमें एक ही क्रेडेंशियल है जो कि जो सबसे बड़ा मुझे नॉन क्रेडेंशियल लगता है, वो लगता है कि ये गिरवी जो 43% रखे ना, ये एक कंसर्न मुझे दिखता है कहीं ना कहीं। लेकिन FI ने यहाँ पे देखेंगे तो FI पोजीशन बढ़ा रहा है, 9.28 से 9.5 कर रहा है। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, और यहाँ जो गिरवी रखा 43% ये थोड़ा मुझे कंसर्न दिखता है। आप देखेंगे तो जहाँ प्रमोटर होल्डिंग 57.28 मार्च 18 में था, अब सिर्फ 56.50 मार्च 19 में है। जहाँ गिरवी 28.64 था वहाँ भी 43% गिरवी इन्होंने रख दिया है। यही एक मेरे लिए जो कंसर्न है वही है। रिकमेंडेशन देखा है तो ऑलरेडी जयंदर कैपिटल सर्विस ने 116 का इसका टारगेट दिया है। अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो कोई इतने मार्केट फॉल के बावजूद आप देखेंगे तो 1 मंथ और 3 मंथ्स में इसका फॉल है। अदरवाइज जो जहाँ से था 1 ईयर से भी देखें तो 5% 6% ऊपर ही दिया हुआ इसने, 3 साल में भी 4 साल में भी। तो ये कहीं ना कहीं मुझे एक अच्छा शेयर दिखता है, लगता है कि ये ऊपर जा सकता है। और एनिमल बिजनेस में ऐसा नहीं है बहुत कोई जो कि एनिमल्स के लिए काम करते हैं। और अगर मैं इसके आपके खुद इसके मनी जो इनसे मैं आपसे दिखाऊँ बात करूँ मनीष गुप्ता जी से अगर इनके इंटरव्यू को दिखाऊँ जो अभी हुआ था जनवरी 2009 को हुआ था, तो आप इसको सुनिए तो अच्छा लगेगा। Industries more vigorously. That's where we could see this opportunity, and that, in my view, was the beginning of the Sequent model, which already had an animal health business. But 5 years back is when we decided to take a global position in this industry. So you are one of the largest companies, at least as far as India is concerned. Globally, how are you positioned, and what's your aim? So, as we speak, our current revenues are in the region of $150 million per year. At this size, we will be in the global top 25. Okay. And our aspiration is to get into global top 10 or global top 15 in the next 4 years' time. And how are you looking to do that? For achieving this target, we have to be about 2 to 2.5 times our current size. Part of this growth will be organic and partly inorganic. So the way I look at our growth is I split it into three. Okay. A third of our growth will come from the products that we already have. So it is the incremental sales that we'll achieve out of this. Another third would come out of the product or the new product development that we have initiated. We are working on about 35 formulations and about 10 APIs that will propel our next wave of growth. And the last third would come out of inorganic strategies, because we are currently not present in two very strategic markets, which is US and Australia. Okay. And these are ones which we will fix. So just give us a basic difference of how things work in the normal pharma space and the animal husbandry, the way you work in. How are R&D spends different? Is it much higher? How are the approval? Prolongation of life of an animal, and therefore it's largely a commercial industry, because the animal has a value attached to it based on the meat price and or milk price. Therefore, the R&D in animal health is very, very different from that of human health. Here we are not discovering new molecules, but focusing on improving the delivery system of that molecule for the animals, because you're dealing with herds. It's very cumbersome for a veterinarian to handle so many animals. So anything which we can do to improve his life is valuable. The R&D therefore here is focused not on new drug discovery, but on drug delivery systems, which are basic drug delivery system.
even from a clinical perspective, the work we do is slightly different. Okay. We need to do ecotoxicity studies because animals graze in the open, so the drug through the body can impact the soil. So we need to understand what is the impact on the soil. Similarly, we also need to do tissue residual studies. Okay. So because till the time the drug is in the body, the animal is not fit for slaughter. So these are the kind of things which we need to do additionally compared to the human pharma, wherein most Indian companies have to do only a bioequivalent study. Okay, let's talk about Sequent and your business. So 75% of your sales or top line comes in from the formulation business, which is basically located across four geographies, and 25% in API. How will this product mix change? Where are you getting more margins and what's the way ahead? So the margin profile of our business, historically the formulations were ahead of APIs, and clearly that was because most of our APIs, till they were commercialized in US, were being sold in emerging markets and where the price points are very different. That has changed dramatically in last 12 months. So going forward, clearly both the businesses are equally important, both will grow as aggressively, very strategic value for us. Having said that, we are guiding the market to about a 200 to 250 basis points improvement in our operating margins year on year in the medium term. A lot of it will be driven by our API business in the short run. Okay. US markets is where you're not present at. What's the stage you are in? First of all, are you looking to enter that market? And if yes, which state are you in, so that over the next how many years can you enter that market? So let me split this into two parts. As far as US is concerned, it accounts for almost 35% of the global animal health market. So simply we cannot ignore that market. Okay. Having said that, we have started our journey in US. Our APIs are already registered in US with 14 filings in US. We are already world's largest generic filer in US as far as APIs are concerned. So there's no other company in the world which has more filings in US than us. We started our first commercial supplies last quarter, and this is something which will grow as we go along. On the formulations front, which is the more important or interesting part, we are still about 12 months away from our first filing in US. Okay. That's by then we should have our back end in place in terms of sales and marketing, either setting up our own or we'll end up with a small acquisition. Okay. The other geographies that you are there, I think one of the important geography is Turkey, where you've done a couple of acquisitions. How are those acquisitions working out for you? And with the current state in Turkey, do you expect that, you know, there could be potential degrowth that could come in the near term? Not at all. Turkey is a very interesting market. It is disproportionate because it feeds a major part of that world. It's actually bigger than India as far as animal health industry is concerned. मैं आपको इसके बारे में सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक जो पोजीशन बन रही है, अब इसको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों पे देखने की कोशिश करें तो मैं डेली चार्ट पे अगर इसको देखने की कोशिश करूँगा और आरएसआई भी देखूँगा तो आरएसआई 50 पे है, तो मतलब आरएसआई कंसर्न नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये अगर यहाँ पे भी अगर मूविंग एवरेज की बात करो 21 और 20 की, तो ये दोनों एक तरीके से एक जगह जाके समेट रहे हैं। मतलब ये है कि अब इनका फॉल जो है था लगभग अब समेटना चालू हो गया। वीकली बेसिस पे यहाँ से अप ट्रेंड ले सकता है, और अगर अप ट्रेंड लेता है तो जो सबसे पहला टारगेट होगा 84 का, और 84 का क्रॉस करता है तो जो सेकंड टारगेट इसका आ जाएगा 90 का, 90 के आसपास चला जाएगा, फिर 116 की ओर जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसको मैं मंथली बेसिस पे भी देखने की कोशिश करूँ, डेली बेसिस पे पहले देख लेते एक बार, तो डेली बेसिस पे कहीं 5 मिनट के चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं ये पहले तो आवरली बेसिस पे देख लेते हैं। आवरली बेसिस पे ये एक फॉल बनाया, यहाँ से कंटिन्यू एक फॉल बनाया, बट यहाँ के बाद इनडिसिसिव कैंडल से लेकर के क्लोजिंग करता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा ले 60 का, और बहुत शॉर्ट टर्म लगाना चाहते हैं तो आप चाहें तो इसको, जिसकी क्लोजिंग प्राइस 71 है, तो 71.70 है, तो 65 का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेकिन 60 का लगाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन 65 का भी लगाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये इसको तोड़ता है, इनफैक्ट 69 यहाँ पे आ रहा है, इसको तोड़ता है तो फिर आगे और थोड़ा टूट ही सकता है, गिर सकता है, लेकिन बेस्ट रहेगा ये 61 जो आ रहा है यहाँ पे, इसका स्टॉप लॉस लगाएं, इसको ये तोड़ना नहीं चाहिए, यहीं से वापस लेके सपोर्ट ले सकता है। और एक इनफैक्ट ये बोले तो एक चैनल में काम कर रहा है, और
इसको अगर 5 आवर चार्ट पे भी देख ले एक बार, 5 आवर चार्ट पे देखें तो ये फॉल को अब जो 5 घंटे पे भी दिखा रहा है, अब यहाँ से सिग्नल ऊपर की ओर ले रहा है, तो किसी भी तरह देखें तो ये सिग्नल कहीं ना कहीं, अब स्टॉप लॉस 69.60 का भी लगाए शॉर्ट टर्म के लिए, 68 का, यहाँ से ऊपर की ओर जाते हुए आपको दिखेगा, और 84 का टारगेट आपको, पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 84 के आसपास। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न में यहाँ पे मुझे लगता है कि नीचे की ओर पैटर्न कंप्लीट होता हुआ अब फर्दर फॉल जो है शायद नहीं होगा इसमें, और अब इसमें कहीं ना कहीं आपको बाइंग आएगी। अगर मैं इसको एज ए डिलीवरी परसेंटेज देखो तो कंटिन्यूअस देखेंगे 50% की डिलीवरी हो रही है, 5 लाख का शेयर ट्रेड हो रहा है 1 लाख, और लास्ट 26 को देखें तो 1 लाख में 62,000 का डिलीवरी हो रहा है। तो डिलीवरी परसेंट मतलब इसको कोई डिलीवरी पे लेकर के रख रहा है, धीरे धीरे दे करके अब इसको डिलीवरी पे बाइंग जा रही है। तो आप भी इसको चाहें तो छोटे से रूप में इसको रख सकते हैं, यहाँ से अगर 3 से 4 साल का वेट करें तो आपको 126-130 का डबल यहाँ से होने का दम रखता है ये। तो 2 से 3 साल में अगर आपको कोई शेयर डबल होता है तो अच्छा है, ख़राब तो नहीं है एटलीस्ट। लेकिन मेरा कोई फिर भी इसमें कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप इस पर खुद स्टडी करें, देखें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, फिर इसको बाय या सेल करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत